सभी का दानी उस टीम में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मालवानी। लगातार हमारे चैनल की ओर से सहारा निवेशकों की आवाज उठाई जा रही है, तो आज इसी आवाज को और जागरूक करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रमेश सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, आपको भी स्वागत है, आपकी टीम और आपके न्यूज चैनल को, जो न्यूज 15 लगातार जो है ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का आवाज उठा रहे हैं। इसके लिए मैम आपकी टीम को, आपके चैनल को, सबको लाख लाख धन्यवाद, खुद को नमन करता हूँ मैम। शुक्रिया सर। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बर्ड्स एक्ट के तहत निवेशकों का पैसा दिलवाने के लिए निकाली जा रही भारत यात्रा कितनी फायदेमंद है, क्या कहना है आपको उसको लेकर? मैम इसका बहुत बड़ा फायदा ये मिल रहा, जैसे अभी तक हम देख रहे थे, इसके पहले जब तक मिशन, जो अभी माननीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदनलाल आजाद सर ने मिशन भुगतान भारत यात्रा की शुरुआत 15 अगस्त से उन्होंने किया उत्तराखंड से, जी। और ये लगभग देखा जाए धीरे धीरे करके 5 राज्यों में अभी तक मिशन भुगतान भारत यात्रा पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी जो दिक्कतें आ रही थी कि लोग पहले जागरूक नहीं थे, पैसा तो हर व्यक्ति अपना चाहता है और जो कार्यकर्ता थे वो जागरूक नहीं थे, काफी संख्या में जागरूक हो रहे हैं। और जहां जहां मिशन भुगतान भारत यात्रा जा रही है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक और या जो भी उनकी टीम के सदस्य हैं उनका जबरदस्त स्वागत भी हो रहा है, और लोगों में एक उत्साह, एक जो पहले था कि हताश थे, निराश थे, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि हमारा पैसा शायद अब कभी नहीं मिलेगा, फिर से उनमें एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो है हर स्टेट में और हर जिले में जो मिशन भुगतान भारत यात्रा पहुंच रही है, वहां चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे शासन प्रशासन का कोई अधिकारी हो, इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि हाँ हमारे हिंदुस्तान में 20 करोड़ ठगी पीड़ित लोग हैं, चाहे वो सहारा इंडिया हो, पल्स हो, बाइक बोर्ड हो, साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड हो, श्रीराम हो, साइंस सिटी हो, और फ्यूचर मेकर हो, हमारा वाहन हमारी सवारी हो, कैची फिक्सर हो, या मान लो अन्य जैसे बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपके द्वारा जो बयान दिया जा रहा है उससे हमें साफ नजर आ रहा है कि इस यात्रा से आपको फायदे मिल रहे हैं। तो जैसा सर आपने बताया कि कुछ लोग इस पे हताश भी कर रहे थे इस यात्रा को करने के लिए, तो वो जो लोग थे वो भी सहारा निवेशक ही थे? जी मैम, हाँ सहारा के भी थे और अन्य कंपनियों के भी थे, और देखा जाए कि जो लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं, एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी मैम वो ये आ रही थी कि जो हमारे कार्यकर्ता थे, मतलब चाहे वो सहारा इंडिया के हों, पल्स किसी कंपनी के हों, चाहे शाही प्रकाश के हों, साई प्रसाद के हों, इन कार्यकर्ताओं को देखा जाए इनको जैसे मंदिर होता, मंदिर का घंटा होता है, उस तरह इन्हें बजाया जा रहा था। एक तरफ पीड़ित जमाकर्ताओं द्वारा इनके ऊपर प्रेशर दबाव बनाया जा रहा था, दूसरी तरफ देखा जाए पुलिस का भय, यानी पुलिस की गिरफ्तारी का और जेल जाने का एक तलवार लटकी हुई थी, ये भी भय इनको था। बहुत सारे देखा जाए, मैंने कई बार इस बात को कहा है, हमारे हिंदुस्तान में इन कंपनियों के लगभग साढ़े, मतलब लगभग 1 लाख प्लस पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता साथियों ने आत्महत्या कर ली। अभी एक दो दिन का मामला है, बाइक बोर्ड कंपनी के पीड़ित निवेशक ने कई बैंकों से कर्ज लेकर के बाइक बोर्ड कंपनी में उन्होंने निवेश किया था और उन्होंने जहर खा लिया, उन्हें घर बचा लिया गया है। लेकिन फिलहाल वही है कि जो सबसे अधिक देखने को मिल रहा था पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता, क्योंकि अपनी बड़ी मेहनत का अगर देखा जाए मैम, सबसे बड़ी बात एक चीज होती है, इन कंपनियों में किसी करोड़पति व्यक्ति ने अपना पैसा नहीं लगाया था, गरीब था, मजदूर था, किसान था, लेबर वर्क या छोटी छोटी दुकान चलाने वाले लोग थे, मतलब 100% पीड़ित जो है वो गरीब वर्ग के ही लोग हैं, कोई करोड़पति या राजनीतिक पार्टी के लोगों ने इसमें निवेश नहीं किया था। लाखों लोग जो आत्महत्या किए या गरीब के, और देखा जाए हमारी सरकार चाहे सेंटर की हो, चाहे किसी स्टेट की हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, मैं तो कहता हूँ चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल हो। सर मैं आपका सवाल यहीं पर थोड़ा काटना चाहूंगी, माफी चाहूंगी इस चीज के लिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लगातार संगठन बन रहे हैं इसके लड़ाई लड़ने के लिए, तो अलग अलग संगठन ना लड़के जिस तरीके से अगर आप एक साथ आकर ये लड़ते हैं तो कितना ज्यादा फायदेमंद होगा ये आपके लिए, ये
आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग संगठन बनाए जा रहे हैं, लड़ाई लड़ाई लड़ी जा रही है सहारा के खिलाफ, तो ये कितना मजबूत है? मैम ये बिल्कुल सत्य है, कहते हैं एकता में शक्ति होती है, एकता ही बल है, और ये सच्चाई यही है कि जो हमारा संगठन है ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन, ये हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये विधि सम्मत तरीके से लड़ रहे हैं, और बट सेक्ट की लड़ाई हमारी जो है कि जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय एक अध्यादेश लाए थे, और देखा जाए वो अध्यादेश भी हमारे संसद से बिल पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को जो है कानून बना के भेज दिया। आज देखा जाए जिसे हम बोलते हैं द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, पूरे हिंदुस्तान में ये लागू हो गई है, अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन इसकी अनुपालना नहीं हो पा रही है, और जिसके लिए हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है, और अदर संगठन देखे जाए मैम तो इसके खिलाफ हैं, इसके विरुद्ध हैं, और कहीं ना कहीं कुछ, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियों को अपने मंच पे आमंत्रित कर लेते हैं तो हमें लगता है कि वो राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित होके, वो हमें नहीं लगता कि ठगों के लिए, ठगों के खिलाफ लड़ रहे हैं या पीढ़ी जमाकर्ताओं के पक्ष में लड़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं। और उन संगठनों में आप देख भी रहे हो, फूट भी पड़ रही है। तो सर आप ये मैम कहना हमें चाह रहे हैं कि मतलब जो कुछ संगठन है वो एक साथ मिलकर नहीं लड़ रहे हैं, अगर वो एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो ये लड़ाई ज्यादा आसान हो जाएगी। नहीं, ये जो मान लो कार हम जिस हिसाब से लड़ रहे हैं हमें थोड़ा टाइम लग रहा, अगर ये सारे संगठन एक मंच पे आ जाते तो मैं इस चीज का वादा लेता हूँ, 1 महीने के अंदर पीड़ित जमा करता, चाहे वो सहारा इंडिया के हो, पल्स के हो, साई प्रकाश के हो, किसी कंपनी के हो, उनका भुगतान शुरू हो जाएगा और हमारी सरकार बाध्य हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है वो लोग जिस, देखिए जिस एक्ट की मैं बात करता हूँ बार बार, बट सेक्ट, इस एक्ट में यही एक ऐसा एक्ट है जो सरकार को भी बाउंड करता है और सरकार की अथॉरिटी को बाउंड करता है। मैं बहुत सारी ऐसी कंपनियों का जानता हूं जिनकी प्रॉपर्टी फ्रीज हो गई, जिनके अकाउंट फ्रीज हो गए थे, गवर्नमेंट की अथॉरिटी, चाहे वो लिक्विडेटर हो, चाहे सेबी हो, चाहे ईडी हो, इनके पास इन कंपनियों का पैसा सन 2016 और 17 में काफी इकट्ठा हो गया, लेकिन ये अथॉरिटी गवर्नमेंट की इन पैसे को किसी पीड़ित जमाकर्ता को रिलीज नहीं कर रही है। तो अगर ये सारे संगठन एकजुट हो जाए तो टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा रिलीज होना शुरू हो जाए। बिल्कुल सर, अगर सब एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं तो जरूरत ये लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि सबका मुद्दा सबका मोटिव एक ही है, तो सब एक ही इस को डिसाइड करके चलेंगे तो आपके लिए इजी होगा। और मैम सबसे जी बड़ी बात है, जी 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 बोलिए, सबसे बड़ी बात है कि 15 नवंबर को हम लोगों ने टारगेट लिया है, दिल्ली में 15 नवंबर को 15 लाख लोग भारत यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, मतलब जो जनसैलाब उमड़ रहा है, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट हो, कोई स्टेट हो, जबरदस्त स्वागत हो रहा है, और इस मिशन भुगतान भारत यात्रा का जगह जगह सम्मान भी हो रहा है, और सारे लोग एकजुट होकर के, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो निवेशक, सारे एकजुट होकर के एक मंच पे आ रहे हैं, और जो समर्थन मिल रहा है आने वाले 15 नवंबर को इसी साल दिल्ली में जो संख्या होगी वो 15 लाख होगी, और मैं जानता हूं जैसे हम ये संख्या होगी, इसके पहले हो सकता है हमारी केंद्र सरकार सेंट्रल डेटाबेस तैयार कर ले, और जब सेंट्रल डेटाबेस तैयार हो जाएगा तो हर स्टेट की सरकार इस पे अमल करना भी शुरू करेगी, और बट्स एक्ट के तहत FIR भी दर्ज होगी और भुगतान का दावा भी स्वीकार करेगी। ठीक है और सर, अभी 20 नवंबर, सर ये तो रही संगठन की बात, अब आगे की जी मैम, के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको आगे की क्या रणनीति बनाई जा रही है आपके द्वारा से? मैम हमारी देखिए एक ही चीज है, मैं हर राजनीतिक पार्टी को एक ही संदेश भी देना चाहता हूं कि जो अभी तक देखा जाए कोई राजनीतिक पार्टी या हमारे जो नेशनल चैनल है, किसी ने भी ठगी पीड़ित लोगों की जो जमा करता है या कार्य करता है, इतने लोग आत्महत्या कर, एक भी किसी नेशनल चैनल ने दिखाया नहीं, और ना दिखाने का एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं इन ठगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और ये चैनल भी कहीं ना कहीं जो है इन ठगों से इनको मोटी रकम मिल जाती है, और इसीलिए हम अक्सर एक चीज राजनीतिक पार्टियां कहती हैं बूथ जीते चुनाव जीतेंगे, लेकिन मैं इस चीज का चैलेंज कर रहा हूं, तुम कहते बूथ जीतेंगे चुनाव जीतेंगे, 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता है हिंदुस्तान का। मैं इसी सन 2022 में ही हम अपने संगठन के माध्यम से डेली हम लोग निकल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं,
और ये भी बता रहे हैं कि इन इन कंपनियों का इतना पैसा गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास आ गया है जो रिलीज नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ये कहते हैं बूथ जीतेंगे चुनाव जीतेंगे, और हम कहते हैं हम बूथ हरवाएंगे और चुनाव हरवाएंगे। कोई राजनीति, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देंगे, और एक ही नारा होगा, पहले भुगतान फिर मतदान, अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। ठीक सर, ठीक सर। अभी इसी मुद्दे में एक नाम जो ताजा ताजा बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, ओपी श्रीवास्तव। आपके मन में सवाल उठ गया होगा, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि ओपी श्रीवास्तव, कुछ दर्शकों को हम नहीं जानते हैं कि ओपी श्रीवास्तव कौन है, क्योंकि अभी तक सहारा के लेकर सुब्रत राय का नाम सबसे पहले आता है, बट ओपी श्रीवास्तव भी अब इस मुद्दे में चर्चाओं में बने हुए हैं। तो आप, मैं चाहूंगी कि आप ओपी श्रीवास्तव का थोड़ा परिचय दें हमारे दर्शकों को, कि आप क्या जानते हो ओपी श्रीवास्तव के बारे में, क्या जानकारी आपके पास। मैम, जैसे हम एक ही बात कहेंगे, डायरेक्टरशिप में ओपी श्रीवास्तव भी हैं, और जिस तरह हम सुब्रत राय को देखते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग, सबसे बड़ा बेईमान और लुटेरा, और उसी कड़ी में ओपी श्रीवास्तव भी है, और देखा जाए मास्टरमाइंड वही है जो ओपी श्रीवास्तव है। और इसने क्या है कि कहते ना, कंपनी की शुरुआत से धीरे धीरे करके इस कंपनी में जुड़ा, और शुरुआत से ही देखा जाए कंपनी का मतलब जो वो होता है प्रमोट करना, कंपनी की स्कीम को बनाना, कंपनी की स्कीम को परिवर्तन करना। और जैसे ही मान लो शुरुआत में एक ही बात हुई थी कि सहारा की दो ही स्कीमें चलती थी और दो सेक्टर थे, एक आपका रियल एस्टेट, एक हाउसिंग डिवीजन। जैसे इस पे रोक लगाया गया, इसमें ओपी श्रीवास्तव का बहुत बड़ा रोल है। उसने क्या किया, क्यू साहब को बना करके, और इस कागज की यानी जो रियल एस्टेट का और हाउसिंग डिवीजन का क्यू साहब में कन्वर्जन का, इसमें बहुत बड़ा रोल इसका था। बाद में जैसे कुछ समय के बाद कुछ लोगों के द्वारा सुब्रत राय से ज्यादा गुनाहगार ओपी श्रीवास्तव को माना जा रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही है। और सुब्रत राय तो गुनाहगार ही है, कहीं नहीं कहीं इस कंपनी को गर्त में पहुंचाने वाला ओपी श्रीवास्तव है, और ये बहुत बड़ा गुनाहगार भी है। और इसका भी देखा जाए, अभी मैंने कई बार न्यूज में उसमें डाला, व्हाट्सएप पे और कई जगह शेयर किया गया था, यहाँ तक कि पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी नेताओं से इनकी अच्छी पकड़ है। और इनके साथ हम, मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी का, चाहे सीएमडी हो या ओपी चौधरी जैसा मास्टरमाइंड जो ठग है, इन राजनीतिक पकड़ तो है, और बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर आईएएस से इनके अच्छे संबंध है, और संबंध भी है, और कहीं ना कहीं इन लोगों को ठीक ठाक इन ठगों के द्वारा पैसा भी मिलता है, फंडिंग भी होती है। और राजनीति, मैं तो यही कहूंगा कि राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हो, चाहे सपा बसपा कांग्रेस किसी, सबको सहारा इंडिया जैसी कंपनी ने चुनाव के पीरियड में फंडिंग किया है। और आज जब उनके ऊपर ये दिक्कतें आई हैं, ये परेशानी आई है, तो आज कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टी कंधे से कंधा मिला के ठग बेईमान ओपी श्रीवास्तव की कर रहे हैं, तो इसी को लेकर मैं एक और सवाल आपसे कर लेती हूँ कि जैसे कि कहा जा रहा है कि ओपी श्रीवास्तव ने बाबा रामदेव के यहाँ निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए जो है वहां लगा दिए हैं, तो आपका क्या कहना है कि क्या ये सच है? नहीं मैम, ये तो बिल्कुल 100% सत्य है, ये 100% सत्य है। वहां पे पैसा लगा दिया, वहां से जो है देखा जाए जो पैसा इन्होंने लगाया है वहां से जो जनरेट हो रहा है, जो वहां से पैसा जनरेट हो रहा है उसका लाभ ओपी श्रीवास्तव भी ले रहे हैं, और इस कंपनी के अन्य डायरेक्टर जो हैं या मान लो मैनेजमेंट के लोग वो भी उसका लाभ ले रहे हैं। और इसी तरह बहुत, और एक चीज और बता दें मैम कि अभी जैसे सहारा में कहा एम्बार्गो लगा हुआ, तो ये एम्बार्गो के विषय में एक ही चीज है, केवल दो कंपनियां जिसपे एम्बार्गो लगा हुआ है, वो देने के लिए नहीं लगा, वो लेने के लिए लगा है। अभी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि एनआई नहीं ले सकते हैं, गोल्डन नाम से स्कीम में आज भी सहारा है, कहीं ना कहीं एनआई ले रही है यानी न्यू बिजनेस ले रही है। और हमें भी लगता है अभी कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जिनकी समझ में नहीं आ रहा है। और अभी यहाँ सहारा में एक चीज और भी हुई थी, कई जगह से पता चला कि सहारा के कुछ एरिया मैनेजर, ब्रांच मैनेजरों के नाम जो है कंपनी ने जमीन खरीदी थी, वो जमीनें भी बेची जा रही हैं, और बेच करके इस तरह से ठग सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव के पास पैसा जा रहा है, और जो पीड़ित जमा करता पैसा तो उन्हीं का था, और उन्हें गुमराह भी किया जा रहा है, उन्हें आज भी गुमराह किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है इन ठग बेईमानदारों आगे भी, ओपी श्रीवास्तव को मास्टरमाइंड भी कहा जाता है सहारा का, तो क्या ये क्या हाँ, है, सहारा का क्या चाणक्य है, क्या वो सच में मास्टरमाइंड है, क्या कहना है आपका? नहीं, ओपी श्रीवास्तव वास्तविक में मास्टरमाइंड है, और इसे सहारा का चाणक्य कहा ही जाता है। विभिन्न प्रकार के ठगने के नई नई स्कीम, नई नई योजना वो बनाता है, और बड़ी चतुराई के साथ बनाता है,
और उसके बाद ठगी करता है। अभी जैसे कहते हैं शुरुआत में मान लो 25,000 करोड़ का मैटर था, आज 98,000 करोड़ का मैटर, इसकी देन जो है ओपी श्रीवास्तव की ही है। ये मास्टरमाइंड है, इसमें कहने की नहीं। और डाउट भी कहते हैं ना, सुब्रत राय उतना गुनाहगार नहीं है जितना गुनाहगार ओपी श्रीवास्तव है। ये बहुत बड़ा गुनाहगार है और इसके वजह से कई देखा जाए करीब लगभग 14 करोड़ जो है लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं। और काफी ओपी श्रीवास्तव को लेकर हमने काफी बातें कर लेती हैं, जरा आप लोग कर लेते हैं सुब्रत राय की ओर। तो सर आपके पास क्या जानकारी, कहाँ है आजकल सुब्रत राय? क्योंकि कुछ लोग ग्रुप बनाए जा रहे हैं आपके द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि सुब्रत राय लापता है, तो क्या वो लापता है या कहीं छुप कर बैठे हैं, क्या कहना है आपको? मैम, ना वो लापता है ना छुप के बैठे हैं। हमारी जो है, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट, ये सारे लोग जानते हैं। और देखिए जो अभी ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए जी और निवेशक कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के लिए जो खेल खेल रहे हैं, कहीं वारंट जारी हो रही इनकी गिरफ्तारी की, सुब्रत राय मिलते नहीं। एक बार जो है एमपी की पुलिस आई वो नहीं पाई, फिर वहां की पुलिस आती वो पता लग नहीं मिले। मैम ये तो 100% जिस व्यक्ति को सेंटर की पुलिस सुरक्षा दे रही है, हमारी दिल्ली पुलिस जिसकी सुरक्षा दे रही और पुलिस खोजने आती है उनको मिलते नहीं, ये तो केवल गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। पुलिस ही सुरक्षा कर रही है और पुलिस ही गिरफ्तारी करने आ रही है, ये केवल लोगों को गुमराह करने, वो यही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में है और हमारी सरकार उसे बचाना चाहती है। और जिस दिन सरकार, देखिए कहते हैं सरकार की नीयत में कहीं कहीं ये लगता खोट है, इनकी नीयत बहुत अच्छी नहीं, लेकिन जिस दिन सरकार चाह ले कि सुब्रत राय को हमें अब जेल पहुंचाना है, इसे दंड दिलाना है और पीड़ित जमाकर्ताओं को पैसा वापस दिलाना है, उस दिन सुब्रत राय कहीं भी नहीं बच पाएगा। हिंदुस्तान में ही है, कहीं भी विदेश नहीं गया और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जैसे कि जो सुब्रत राय का जो निवास स्थान है वो लखनऊ में, तो वहीं हमारी जो यूपी सरकार, योगी जी की सरकार भी वहीं पर है, तो कितनी कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई करने चाहे तो उसे रातों रात पकड़ लिया जाए, बट कहा जा रहा है कि सरकार भी जो है इसमें पीछे हट रही है सुब्रत राय के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने। मैम कैसे कर लेंगे हम तो एक ही चीज बताते हैं कि अगर योगी जी चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे। कारण है कि कहीं ना कहीं ऊपर से उसको सारे संरक्षण मिले हुए, भाई मोदी जी बैठे हुए हैं ना। और आप देखिएगा मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि मोदी जी लो, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बसपा सपा, बड़े बड़े जितनी पार्टियों के नेता हैं उनके साथ फोटो है, उनके साथ मंच को साझा किया है। अगर योगी जी चाह भी ले तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर से इनको मना कर दिया जाएगा, और ये सच्चाई है। लेकिन ये अगर ये चाह ले कि नहीं मुझे कुछ नहीं, किसी की नहीं सुननी है, केवल पीड़ित जमाकर्ताओं की सुननी है, तो मुश्किल से 1-2 घंटे लगेंगे, एक दिन भी नहीं लगेगा, 1-2 घंटे में सुब्रत राय कैद में होगा। बिल्कुल, अगर और सरकार मैं एक एक्शन चीज में और आ जाए बताऊं, तो इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल मैम, जिस दिन चाह ले, अगर हमारे स्टेट के जो ये मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और बहुत ही निर्णय लेने में वो बहुत ऑन स्पॉट फैसला करते हैं, लेकिन इन ठगों के खिलाफ अभी मुझे पता नहीं लगातार लगता वो कि बुलडोजर चलवा रहे हैं, हर मुद्दे पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, पर अभी तक सुब्रत राय को नहीं पकड़ा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बस यही कि जहां बुलडोजर वहीं चल रहा है, जहां इन्हें राजनीतिक लाभ मत मिल सकते, राजनीतिक फायदा हो सकता है, वहीं बुलडोजर चल रहे हैं। बाइक बोर्ड कंपनी का हेड जाके खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई, बाबा जी का कभी बुलडोजर नहीं चला, जिसमें 2 लाख हमारे देश के सैनिकों ने अपना पैसा लगाया था, जिसमें 1200 सैनिकों ने आत्महत्या कर लिया है, बाबा जी को नहीं दिख रहा है। ऐसे महा ठगों पे, बेईमानों पे, जिन्होंने पीड़ित गरीबों का शोषण किया, गरीबों का जो है आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया है, ऐसे पे ना बुलडोजर चलेगा कुछ नहीं, और उन्हीं पे चलेगा जहां से इन्हें वोट का लाभ होगा, जहां से इनका अपना हित होगा। आप यही लेकिन कह रहे जनता को हैं ना कि जो सरकार है वो भी सुब्रत राय के समर्थन में है, क्योंकि अगर वो कार्रवाई करना बिल्कुल चाहे तो कार्रवाई तुरंत हो सकती है। बिल्कुल नहीं मैम, अरे सरकार चाहे तो ये छुपाएंगे 1 घंटे नहीं, क्योंकि तो राजगिरी पुलिस जी के साथ अपना आखिरी और अगला सवाल करते हैं, क्योंकि समय की कमी होते हुए हमें अपना ये शो जल्दी खत्म करना होगा, तो मैं आपसे अपना आखिरी और अगला सवाल कर लेती हूँ कि सर सेबी और सहारा ये क्या मामला है? क्योंकि कुछ दर्शकों को इसको लेकर अच्छी जानकारी नहीं मिल रही है, लोग कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर, कुछ लोगों को ये मामला नहीं समझ आता है, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा सा विस्तृत में इस जानकारी को हमारे दर्शकों को। मैम
मैम देखिए, सेबी बनाम सहारा, सहारा बनाम सेबी, जी ये केवल मूर्ख बनाया जा रहा है, ये जनता का। एक चीज मैं कहूंगा, सेबी ने जिसपे, जो इनके दो सेक्टर थे जिसपे इन्होंने रोक लगाया था, और मैंने पहले भी कहा था, जब रोक लगाया था तो वैसे कहते ना, ओपी चौधरी और सुब्रत राय ये ऐसे मास्टरमाइंड हैं, इन्होंने जी एक ही काम किया था कि कागज की अदला बदली कराता रहा, कभी जो है क्यों साहब में, कभी सहारियन में, कभी जो है मल्टीपर्पज के क्रेडिट कोऑपरेटिव में, इस तरह सहारा की अदला बदली करता रहा। और एक ही चीज सोचा था कि कानूनी तौर तरीके से, जब उनके पास कोई रियल एस्टेट हाउसिंग डिवीजन का भुगतान का दावा नहीं पेश करेगा, तो कानूनी तौर तरीके से इस पैसे को हम वापस लेंगे। तो सहारा जो है डाल डाल था, तो सेबी पत्ते पत्ते चलना शुरू किया कि जब मैंने इन दो सेक्टरों का पैसा जो है रोक लगाया था, इसका पैसा मेरे पास है, इसका कोई दावेदार आएगा तो मैं भुगतान करूंगा। तो यहाँ पे दोनों देखिए, ये केवल यहाँ पे भी जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है मैम, ये दोनों एक ही चीज है, ये कहते ना, ये दोनों ऐसा खेल खेल रहे हैं जो जनता का हित कभी नहीं हो सकता है। सेबी जी बनाम सहारा, सहारा कभी सेबी के वकील न्यायालय में हाजिर होते हैं तो सहारा का नहीं होता, कभी सहारा के हाजिर होते तो सेबी का नहीं होता, तो ये आप कह रहे चाहते हैं ही कि नहीं इन दोनों दोनों। बिल्कुल के मिली भगत है, आप ये कह रहे हैं ना, मैम, आपस में मिली भगत है। मैं कुछ कंपनी बता देता हूँ, जैसे साई प्रकाश श्रीराम और अन्य कंपनियां जिनका 111,54,435 रुपया सेबी के पास सन 2016 में आ गया था, भी। किसी एक बंदे, साई प्रसाद का आ गया था, बहुत सारी कंपनियों का आ गया था, किसी एक बंदे का 1 रुपया आज तक सेबी ने वापस नहीं किया है। उसका जो इंटरेस्ट हो रहा है, पता नहीं सेबी खा रही है कि हमारी सरकारें खा रही हैं, ये भगवान जाने, लेकिन पीड़ित जमाकर्ताओं को 1 रुपया। तो हमें तो दोनों में खोट दिखती है, इनकी दोनों की नीयत अच्छी नहीं है, और हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि पीड़ित जमाकर्ताओं का ध्यान दे लो, अभी वक्त है, नहीं 24 के पहले पहले 20 करोड़ जमीन पीड़ित जमाकर्ता परिवार चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे, जो अभी बैठ करके आराम से मलाई खा रहे हैं, और शायद जी मलाई भी इन लोगों के हाथ से जाने वाली है। जी सर बिल्कुल, आप इसी तरीके से अगर प्रयास करते रहेंगे, संगठन एक होकर लड़ेगा तो जरूर आपको इंसाफ मिलेगा। साथ ही हमारी ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, आवाज उठाई जा रही है आपकी, ताकि आपको इंसाफ मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रमेश सिंह जी, ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए, सहारा से जुड़ी नई अपडेट्स जानने के लिए बने रहे द न्यूज 15 के साथ।